सियासत में मौजू बहस रहने वाली टिकटॉक गर्ल्स मुश्किलात का शिकार। नाखुशगवार सरगर्मियों की बायस दुबई से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। दोनों लड़कियों के मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जिसके बाद कौमी असम्बली से आवाम तक हरीम शाह और संदल खटक मौजू बन गई थी। टिकटॉक गर्ल्स संदल खटक और हरीम शाह दुबई में भी पास ना आई। गैरकानूनी सरगर्मियों की वजह से और दुबई के सख्त कानून की वजह से इनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। दुबई रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रहवासियों के साथ एक्टिविटीज़ बताया गया। इनको कहा गया ये पाकिस्तान नहीं। वो चिल्लाती रहीं, मेहनतें करती रहीं कि मेहरबानी करके पाकिस्तान डिपोर्ट ना करें, कि मेहरबानी करके पाकिस्तान डिपोर्ट ना करें, वहाँ हमारी जान को ख़तरा है। मगर दुबई ने इनकी बिल्कुल न सुनी और कहा जिस मुल्क से आई हो उसी मुल्क में डिपोर्ट की जाओगी। अब हरीम शाह और संदल खटक को 8 जनवरी को मुल्तान एयरपोर्ट डिपोर्ट किया गया। हरीम शाह और संदल खटक 8 जनवरी को मुल्तान एयरपोर्ट पहुंची। आम मुसाफिरों के दरमियान से होते हुए वो बाहर निकल आईं। अब देखना यह है पाकिस्तान में इनके साथ क्या होता है। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा बखेड़ा कर चुकी हैं। अब देखना यह है ये मजीद वीडियोस लाएंगी, रिकॉर्डिंग्स शो करेंगी या कुछ और होगा। इनको जेल होगी या इनकी जबान पे ताला लगाया जाएगा, ये कुछ कहना कबलस वक्त है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनके साथ क्या होना चाहिए। ये कौम की बेटियां हैं, गलतियां खताएं इंसान से भी होती है, सबके घरों में होती हैं। बस इनके साथ ये मसला है कि ये ज़्यादा अवाम में ज़ाहिर हो चुकी हैं। शोहरत के चक्कर में इन्होंने क्या क्या कर दिया है शायद इनको भी नहीं पता। आप सामने इनसे गुजारिश है कि आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।